हरियाणा सरकार की योजना राज्य के लोगों को बिजली की किल्लत से पूरी तरह मुक्ति दिलाने की है। प्रदेश के यमुनानगर में जहां नया पावर प्लांट लगाने की योजना है, वहीं सौर ऊर्जा पर विशेष फोकस सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की नहरों पर सोलर पैनल के जरिए पावर प्लांट लगाने की योजना पर भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को इस दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद सैद्धांतिक तौर पर सौर ऊर्जा के प्लॉटों को प्रोत्साहित करने का निर्णय हो चुका है। वहीं नवीन और नवीनीकरणीय योजना विभिन्न विभागों द्वारा इसके प्रस्ताव बनाए जाने लगे हैं। राज्य सरकार फसलों के अवशेष यानी पराली से बिजली बनाने संबंधी पावर प्लांट लगाने की दिशा में प्रयासरत है। पहले चरण में पराली से बिजली उत्पादन के लिए 4 जगह जींद, कैथल, नरवाना में, फतेहाबाद में प्लांट लगाए जाएंगे। प्लांट से बिजली का उत्पादन होगा, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादित होगी। इस बायोगैस का छोटी गाड़ियों में इंजन के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। और हमारे सीएम साहब इसे बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हमें 15 मेगावाट का एक टारगेट मिला था, हम 50 अचीव करने जा रहे हैं। जो कुसुम योजना है जिसमें ट्यूबवेल्स लगते हैं सौर ऊर्जा के, उसमें पूरे देश में हम एक नंबर पे आ रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और फिर हमारे सब इंजीनियर्स, हमारे एससीज, एक्शन, सब लोगों को मैं ये कहूँगा कि लाइनमैन तक सब लोगों ने जब मदद करी और मैंने सबका सपोर्ट लिया, इस करके हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से पहले चरण में नहरों के दोनों ओर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पैनल इस तरह लगेंगे कि इससे नहरों के साइड की पगडंडी भी कवर हो जाए और नहरों पर भी इसका हिस्सा आए। इसके लिए बकायदा डिजाइन तैयार किया जा रहा है जो देखने में भी सुंदर लगेगा। अमेरिका सहित कई देशों में इस तरह के लगे हुए हैं। पंजाब में भी इस तरह की शुरुआत की गई है, लेकिन इसके लिए बाकायदा पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है। इन परियोजनाओं को लेकर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कुरैशी को निर्देशित किया गया है कि वो जल्दी विस्तृत कार्य योजना तैयार करे ताकि उस पर मनोहर लाल मुख्यमंत्री से चर्चा कर मंजूरी दिलाई जा सके। जो अमेरिका जैसे बहुत एडवांस कंट्रीज है, उन्होंने देखा है कि नहरों पे उन्होंने सारी नहरें कवर कर रखी है सोलर प्लेट से। आपने कभी देखा नहीं था, मैं तो गांव में रहा हूँ, जब बहुत बरसात होने लगती थी तो हम नहर में पुलिया के नीचे चले जाते, पुलिया के नीचे एकदम गर्म वातावरण मिलेगा, तो मॉइस्चर जो निकलता है ना जी, उससे प्लेटें ज़्यादा हीट पकड़ेंगी और उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो जाती है। तो वो प्लेटें ज़्यादा जल्दी मतलब सौर ऊर्जा जो है पैदा करती है। तो हमने ये कराया कि बड़ा डिजाइनदार जिसमें पटड़ियाँ, पहले लोग पटड़ी पे चलते थे, उसको भी साथ कवर कर रहे हैं और इसे डिजाइन से बढ़िया करके, पहले जो बाकड़ा कैनाल की नहरें हैं, आपका करनाल कैनाल है या ये फतेहाबाद ब्रांच है, इनको हम नरवाना ब्रांच है, इनको कवर करेंगे। इसके अलावा जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने हरियाणा की जेलों में पंजाब से बेहतर व्यवस्थाएं देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी हरियाणा की जेलों की व्यवस्थाओं की तारीफ कर चुके हैं। उन्हें हरियाणा की जेलों में भी हाई क्रिमिनल्ड कैदी हैं, लेकिन हरियाणा की जेलों की सुरक्षा पंजाब से बेहतर है। उन्होंने रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनवाने का दावा भी किया। सहरसा से टोटल न्यूज़ के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।